हेलो एवरीवन, वेलकम टू 48th एपिसोड ऑफ एनिमे न्यूज। आज हम बात करेंगे वन पीस न्यू मूवी, एमएचए लेटेस्ट मूवी रिलीजिंग इन इंडिया और भी बहुत से अपडेट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज वीडियो। पार्ट वन, एनिमे अनाउंसमेंट्स, ट्रेलर्स, प्रोमोस एंड मोर। तो रिसेंटली वन पीस की नई मूवी अनाउंस हुई है। मूवी का टाइटल है वन पीस रेड। मूवी 6 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली है। मूवी का टीजर, ट्रेलर और विजुअल भी रिलीज हुआ है। टीजर से ये कंफर्म है कि मूवी में एक नई फीमेल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने वाली है, जिसे खुद ओडा सेंसे इलस्ट्रेट करेंगे और साथ ही ये मूवी शैंक्स पर फोकस्ड होगी। वन पीस एनिमे से भी एक छोटा सा अपडेट है। 9 जनवरी को वन पीस में नया ओपनिंग थीम सॉन्ग डेब्यू होने वाला है। थीम सॉन्ग का नाम है पेंट, जिसे परफॉर्म किया है रॉक बैंड आई डोंट लाइक मंडेज ने। स्टूडियो जिबली के फाउंडर और डायरेक्टर हायाओ मियाज़ाकी फिर से एक लास्ट मूवी के लिए रिटायरमेंट से वापस आ रहे हैं। इस बार वो जिस मूवी पर काम कर रहे हैं उसका नाम है हाउ डू यू लिव, जो योशिनो गेंजाबुरो के नॉवल पर बेस्ड है। द न्यूयॉर्क टाइम के साथ एक इंटरव्यू में मियाज़ाकी ने मूवी को डिस्क्राइब करते हुए कहा है, फैंटेसी ऑन अ ग्रैंड स्केल। मियाज़ाकी ये मूवी अपने पोते को डेडिकेट करना चाहते हैं। उनके हिसाब से जब वो यंग थे तब वो 10 मिनट के एनिमेशन एक महीने में कर लेते थे, पर अब वो घट के 10 मिनट से 1 मिनट हो चुकी है। इसलिए मूवी को पूरा होने में अभी अच्छा खासा समय लग सकता है, क्योंकि मियाज़ाकी इसे अपनी पुरानी मूवीज की तरह ट्रेडिशनल स्टाइल में बना रहे हैं। डेमन स्लेयर सीजन 2 एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क का एक नया पीवी रिलीज हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। न्यू आर्क 5 दिसंबर से प्रीमियर होना चालू होगा और आर्क का पहला एपिसोड 1 घंटे का होने वाला है। माई हीरो एकेडेमिया सीजन 6 का पहला विजुअल रिलीज हुआ है। विजुअल में मिडोरिया और शिगराकी फीचर है, बाकी कोई मेजर डिटेल विजुअल से रिवील नहीं हुई। प्लस रीइनकार्नेशन एनिमे की 4th ब्लूरे डिस्क में एक अनएड एपिसोड भी होगा। 4th ब्लूरे डिस्क अगले साल 16 मार्च को रिलीज होने वाली है। इस अनएड एपिसोड में एपिसोड 16 के इवेंट्स होने वाले हैं। एपिसोड 16 में रूडियस और पॉल का रियूनियन दिखाया गया था, पर उस टाइम पर एरिस और रियूजर्ड ने क्या किया था वो हमें इस अनएड एपिसोड में देखने को मिलेगा। ब्लीच फैंस के लिए एक अच्छी न्यूज है। 18 दिसंबर को ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर आर्क की ट्रेलर और की विजुअल रिलीज होने वाली है। सो मार्क दैट डेट ऑन योर कैलेंडर। शोगाकुकान की वीकली शोनन संडे मैगजीन ने 25th डिटेक्टिव कोनन एनिमे फिल्म का टाइटल रिवील किया है। मूवी का टाइटल है डिटेक्टिव कोनन द ब्राइड ऑफ हैलोवीन। मूवी जापान में 15th अप्रैल को रिलीज होने वाली है। मूवी में डिटेक्टिव कोनन की स्पिन ऑफ पुलिस अकेडमी के कैरेक्टर्स भी होने वाले हैं। मेड इन एबिस सीजन 2 का नया विजुअल और प्रोमो वीडियो रिलीज हुआ है। विजुअल में 4 नए कैरेक्टर्स फीचर्ड है। सीजन 2 का टाइटल है मेड इन एबिस द गोल्डन सिटी ऑफ द स्कॉचिंग सन। एनिमे अगले साल प्रीमियर होगा। हमने लास्ट वीडियो में कहा था 12 दिसंबर से द डेविल इज अ पार्ट टाइम में सीजन 2 एयर होने वाला है। उस न्यूज में हमसे थोड़ी सी गलती हो गई थी। 12 दिसंबर से सीजन 2 एयर नहीं होगा। 12 दिसंबर को हमें सीजन 2 के बारे में और डिटेल्स पता चलने वाली है। सो सॉरी फॉर द मिस्टेक। स्पाई एक्स फैमिली का एक नया विजुअल रिलीज हुआ है, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो को पॉज करके देख लेना। फेट स्पिन ऑफ लॉर्ड एल मेलॉय सेकंड केस फाइल रेल ज़ेपेलिन ग्रे स्नोट की एनिमे स्पेशल रिलीज होने वाली है इस न्यू ईयर्स ईव पर। यह नया एपिसोड फेट न्यू ईयर्स ईव स्पेशल प्रोग्राम का पार्ट होने वाला है। स्पेशल एपिसोड का एक विजुअल भी रिलीज हुआ है, जो आपकी स्क्रीन पर है। पॉपुलर फैंटेसी मांगा XXX हॉलिक की पहली लाइव एक्शन फिल्म अनाउंस हुई है। मूवी 29th अप्रैल 2022 में रिलीज होने वाली है। मूवी का टाइटल है हॉलिक XXX हॉलिक। पोकेमॉन एवोल्यूशंस के आखिरी 4 एपिसोड 2 दिसंबर से स्ट्रीम हो रहे हैं। हर हफ्ते एक एपिसोड स्ट्रीम होगा। आखिरी के 4 एपिसोड्स का एक प्रोमो वीडियो भी रिलीज हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं कुछ एनिमे के कंफर्म रिलीज डेट्स के बारे में। बेब्लेड बर्स्ट क्वाड ड्राइव 5th दिसंबर, पुलिस इन अ पॉड 5th जनवरी, टोक्यो 24th वॉट 5th जनवरी, इन द लैंड ऑफ लिडेल 5th जनवरी, वर्ल्ड्स एंड हारम 7th जनवरी, स्लो लूप 7th जनवरी, क्यू 7th जनवरी, रस्टेड आर्मर्स 9th जनवरी, फिस्टल बॉयज 9th जनवरी, ससाकी एंड मियानो 9th जनवरी, साबिकोई बिस्को 10th जनवरी, फैंटेसी बिशोजू जूनिको ओजीसान 11th जनवरी, The Genius Prince's Guide to Raising a Nation Out of Debt 11 January, Arifureta from Common Job Place to World's Strongest Season 2 13 January और AIN number 831 30 January को रिलीज होने वाले हैं। अभी मैंने जितने भी एनिमे के रिलीज डेट्स मेंशन किए हैं, उनमें से बहुत सारे एनिमे के प्रोमोज भी रिलीज हुए हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके अलावा लास्ट न्यूज वीडियो से अभी तक जितने भी एनिमे के प्रोमो रिलीज हुए हैं, जैसे कि डोरेमोन नोबिताज़ लिटिल स्टार वॉर्स 2021 मूवी, उन सबकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
Part 2. Manga and Light Novels. टॉप सेलिंग मांगा 2021 की लिस्ट फाइनली आ चुकी है। नंबर 3 पर है टोक्यो रिवेंजर्स विद 24.9 मिलियन कॉपीज, नंबर 2 पर है डेमन स्लेयर किमित्सु नो याइबा विद 29.5 मिलियन कॉपीज और नंबर 1 पर है नॉट अ सरप्राइज जुजुत्सु काइसेन विद 30.9 मिलियन कॉपीज। सबसे ज्यादा सरप्राइज तो वन पीस ने किया है विद ओनली 7 मिलियन कॉपीज। टॉप 3 की सेल से मुकाबले बहुत ही कम सेल हुई है। अटैक ऑन टाइटन ने भी 7 मिलियन कॉपीज ही सेल की है। मे बी मंथली पब्लिश होती है इसलिए कम सेल हुई है। और स्पाई एक्स फैमिली और चेनसॉ मैन विदाउट एनी एनिमे अडैप्टेशन ही टॉप 10 में जगह बनाई हुई है। खैर, टॉप 10 की लिस्ट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो पॉज करके देख लेना। जोजो के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने ट्वीट करके कंफर्म किया है कि मांगा आर्टिस्ट शो आई मोतो जोजो की वन शॉट मांगा फुजिको'स बिजार ट्रीटमेंट व्हाइट स्नेक्स मिसकैलकुलेशन ड्रॉ करने वाली है। ये वन शॉट 18 दिसंबर को रिलीज होगी। जुजुत्सु काइसेन जीरो मूवी की नॉवेल अडैप्टेशन होने वाली है। नॉवेल भी मूवी के साथ 24 दिसंबर को जापान में रिलीज होने वाली है। मांगा क्रिएटर ओनी गुनसोउ ने कंफर्म किया है मोनोगातारी मांगा की एनिमे अडैप्टेशन होने वाली है। उन्होंने 2 इलस्ट्रेशन भी शेयर किए हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। इसके अलावा कुछ दूसरी मांगा की भी एनिमे अडैप्टेशन अनाउंस हुई है, जैसे मिसाकी ताकामात्सु की शिप एंड लोफर मांगा, सुकासा ओशिमा की सॉकर थीम मांगा शूट, योतो योत्सुबा और रियो ओगावा की या बॉय कॉन्गमिंग मांगा और ताकाहिरो और योई ताकेमुरा की स्लेव ऑफ द मैजिक कैपिटल्स एलीट ट्रूप्स मांगा। इन अडैप्टेशंस की कोई और डिटेल्स आते ही हम कम्युनिटी टैब में अपडेट कर देंगे। कोडांशा कॉमिक्स ने अनाउंस किया है कि कोडांशा नेक्स्ट फॉल में 14 मांगा रिलीज करने वाली है डिजिटल और प्रिंट फॉर्मेट में। सारे मांगा के टाइटल इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है और अगर आपको इन मांगा के बारे में और जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। पार्ट 3 एनिमे गेमिंग न्यूज। बांडाई नामको एंटरटेनमेंट अमेरिका ने अनाउंस किया है ड्रैगन बॉल की नई गेम ड्रैगन बॉल द ब्रेकर्स 2022 में रिलीज होने वाली है। गेम PS4, Xbox, Switch और PC के लिए अवेलेबल होगी। गेम 8 पर्सन ऑनलाइन मल्टीप्लेयर होने वाली है। 8 प्लेयर्स में से 7 प्लेयर सर्वाइवर और 1 प्लेयर रेडर रहेगा। रेडर ड्रैगन बॉल सीरीज के विलन के कैरेक्टर सिलेक्ट कर पाएगा, सेल, बू या फ्रीजा में से कोई एक कैरेक्टर। कैरेक्टर चूज करने के बाद रेडर को बाकी के 7 प्लेयर्स को एलिमिनेट करना होगा। सर्वाइवर्स के पास कोई स्पेशल पावर्स नहीं होगी, उन्हें आइटम्स, वेपन्स और व्हीकल्स कलेक्ट करके टाइम मशीन के मैदान से भागना होगा। इसकी एक बेटा टेस्टिंग भी होने वाली है दिसंबर के फर्स्ट वीक में, बट ये बेटा टेस्ट यूरोप और जापान के लिए ही है तो हमें इसके ऑफिशियल रिलीज का वेट करना ही पड़ेगा। तख्त ओपी स्मार्टफोन गेम की लॉन्च डेट डिले हो चुकी है। पहले ये गेम 2021 में ही रिलीज होने वाला था पर गेम के डेवलपर ने कहा है कि वी नीड मोर टाइम टू क्रिएट अ हायर क्वालिटी गेम दैट फैंस विल एंजॉय। मिस कोबायाशी'स ड्रैगन मेड बर्स्ट फोर्थ चोरोगन ब्रेड गेम 24 मार्च 2022 को रिलीज होने वाली है। पबजी मोबाइल जुजुत्सु काइसेन, हिगुराशी और साकुरा वार्स के बाद अब द मेलनकली ऑफ हारुई सुजुमिया एनिमे के साथ कोलैबोरेट करने वाले हैं 30 नवंबर से। ये कोलैब लिमिटेड टाइम कैंपेन होने वाला है ओनली फॉर पबजी मोबाइल जापान यूजर्स। पार्ट 4 एनिमे न्यूज रिलेटेड टू इंडिया। मुझे हाल ही में एक यूट्यूब चैनल के बारे में पता चला है जहां आप मांगा इंग्लिश ऑडियो फॉर्मेट में देख सकते हैं। चैनल के अबाउट सेक्शन में मेंशन है कि जितने भी मांगा उनके यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है वीडियो फॉर्मेट में, सारे ऑफिशियली लाइसेंस्ड है जापान पब्लिशर्स और ऑथर्स से। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू चेक आउट वंस। फाइनली नेटफ्लिक्स पर 1 दिसंबर को जोजो बिजार एडवेंचर स्टोन ओशन के 12 एपिसोड्स का फर्स्ट बैच ऐड हुआ। सीरीज में अभी और भी एपिसोड्स होंगे जो बैचेस में आने वाले हैं मंथली। इसके साथ सुपर क्रूक सीरीज भी नेटफ्लिक्स पर 25 नवंबर से स्ट्रीम हो रही है। सीरीज में टोटल 13 एपिसोड्स हैं। सीरीज का छोटा सा प्लॉट आपकी स्क्रीन पर है। 24 दिसंबर को स्टैंड बाय मी डोरेमोन सेकेंड मूवी नेटफ्लिक्स अपने प्लेटफॉर्म पर ऐड करने वाली है और मूवी हिंदी डब में भी अवेलेबल होने वाली है। ट्रेलर का हिंदी डब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे नेटफ्लिक्स ऑलरेडी स्टूडियो जिबली की एयरविक एंड द विच सीजी एनिमे को 18 नवंबर को इंग्लिश और जापानीज के साथ हिंदी डब में रिलीज कर चुका है, बट आई डोंट नो व्हाई वो नेटफ्लिक्स पर मुझे अभी शो नहीं हो रही है। मे बी इट गॉट रिमूव। जिन्होंने नहीं देखी मूवी वो देख सकते हैं, मैं मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इन सबके अलावा नेटफ्लिक्स शामन किंग के नए एपिसोड्स 9 दिसंबर, टोक्यो गॉडफादर्स मूवी 15 दिसंबर और अग्रेत्सुको सीजन 4 16 दिसंबर को ऐड करने वाले हैं।
म्यूज एशिया ने नवंबर में माय रूममेट इज अ कैट के एपिसोड स्ट्रीम करे हैं, तो किसी ने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो देख सकते हैं ऑन म्यूज एशिया यूट्यूब चैनल। आज की सबसे बड़ी और फाइनल न्यूज, इंडिया में फाइनली माय हीरो एकेडमिया वर्ल्ड्स हीरो मिशन की मूवी आज यानी 3 दिसंबर को रिलीज हो चुकी है। मूवी इंग्लिश डब और जापानीज दोनों में ही रिलीज हुई है। आई गेस आप बुक माय शो और पीवीआर की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं ये मूवी आपके यहाँ रिलीज हुई है या नहीं। ये मूवी जापान में इसी साल अगस्त में ही रिलीज हुई थी और उसी के 3-4 महीने के अंदर इंडिया में भी रिलीज हो रही है। ये मूवी सबसे फास्ट रिलीज होने वाली पहली एनिमे मूवी है इंडिया में। इससे एक्चुअली पीवीआर का ही बेनिफिट है क्योंकि किसी मूवी का इतनी जल्दी अच्छा डिजिटल प्रिंट अवेलेबल नहीं होता है, जिस कारण फैंस फिर मूवी को लीगली और बड़ी स्क्रीन पर ही इंजॉय करेंगे बिना पायरेट करे। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले रेगुलर अपडेट्स के लिए फॉलो वीप सेंट्रल ऑन ट्विटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय।